हाय फ्रेंड्स, आज मैं नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ। इसके लेखक हैं, सॉरी पहले तो कहानी का नाम जान लीजिए। तो कहानी का नाम है धर्म युद्ध और इसके लेखक है अर्जुन देवचरण। इस कहानी के लेखक जो हैं अर्जुन देवचरण, इनके बारे में पहले कुछ दिया है, उसको हम पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में। और सेकेंड पार्ट मेरा कहानी के बारे में आएगा, यानी धर्म युद्ध के बारे में आएगा, आखिर उस कहानी में दिया क्या हुआ है। ठीक है, तो ये कहानी का नाम है अर्जुन धर्म युद्ध और लेखक का नाम है अर्जुन देवचरण। तो स्टार्ट करते हैं, आखिर लेखक के बारे में दिया क्या है, ये क्या करते हैं और क्या हैं और कैसे लिखते हैं अपनी नाटक, कविताएं, कहानी, क्या क्या लिखे हैं, इन्हीं चीजों के बारे में दिया हुआ है। तो पहले पढ़ेंगे अर्जुन देवचरण और टीचर बाई प्रोफेशन। अगर हम अर्जुन देवचरण की बात करें तो ये प्रोफेशन से क्या है, पेशे से क्या है, एक शिक्षक है, इज बेसिकली अ पोएट, और मूल रूप से क्या है, एक कवि है। हिज प्लेज अपीयर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोएट्री। अगर उनकी हम नाटकों का बात करें तो ये है उनका नाटक जो है लगता है उनकी कविताओं के विस्तार की तरह, फैलाव की तरह लगता है उनका नाटक। द पोर्ट इन हिम, उसमें दिखाते हैं सोच, मतलब दिखाते हैं थ्रू हिज शॉर्ट, अपने लघु रूप के माध्यम से ये बात दिखाते हैं, अपने माध्यम के द्वारा दिखाते हैं क्या, क्रिप्स एंड पिथी लाइंस। अगर हम क्रिप्स की बात करें तो क्रिप्स मीन्स कुरकुरे, चटपटाहट जो कहते हैं ना वही, पिथी मतलब कोई भी चीज का अर्थपूर्ण हो, तो अर्थपूर्ण पंक्ति। एंड द सॉन्ग ऑफ कोरस, अगर कोरस की बात करें तो कोरस का मतलब होता है गायकों का दल, तो उनके गीत को ये अपने नाटक में दिखाते हैं। यानी अगर इस पूरी लाइन की बात करें तो कवि जो है वो अपने लघु से लघु रूप के माध्यम से क्या करते हैं, क्रिप्स एंड पिथी पंक्ति और गायकों के दल का जो गीत होता है उनको अपने नाटकों में दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। His first book of Rajasthani plays published in the late 70s was received rather indifferently in the Rajasthani literary circles. तो अगर हम उनकी पहली राजस्थानी नाटकों का बुक जो बात करें तो वो पब्लिश हुआ था लेट 70s, अगर तो 70 के दशक में ये क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था और वो रिसीव किया गया रेदर इनडिफरेंटली इन द राजस्थानी लिटरेरी सर्कल्स। तो वो क्या, किस भाषा में रिसीव किया गया था, तो वो एक राजस्थानी साहित्य में ही, केवल इनडिफरेंटली मतलब दूसरा कोई लैंग्वेज ही नहीं था, दूसरा कोई भाषा ही नहीं था, भी नहीं था ही नहीं कोई, अलग अलग था ही नहीं कोई, तो वो एक राजस्थानी साहित्य में ही पब्लिश हुआ था। टिल दैट टाइम ड्रामा इन राजस्थान, उस समय राजस्थान का जो ड्रामा था, हैड मेड आइदर सम स्ट्रे वन एक्ट प्लेज ऑन सोशल इशू लाइक विडो रीमैरिज, डाउरी, ईटीसी। तो उस समय का जो ड्रामा, राजस्थान का जो ड्रामा था, उसका दो ही, उसका मतलब यही था कि या तो अगर हम वन एक्ट प्लेज, एक ही अधिनियम का नाटक हो, मतलब एक ही तरह का नाटक हो, जैसे सोशल इशू या सोशल इश्यू पर हो, लाइक जैसे विडो रीमैरिज मतलब विधवा और पुनर्विवाह, डाउरी दहेज प्रथा को, इट इज मतलब सोशल इशू पे ही हो, या और द फोक प्लेस बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल थीम, या फिर जो लोक के नाटक होते थे वो क्या, या तो ऐतिहासिक चीजों पे होते थे या पौराणिक विषय वस्तु पे थी। A full length play on contemporary theme was beyond conjecture. Conjecture का मतलब ख्याल, विचार। तो यहाँ पे जो इनके नाटक का पूरा length था, पूरी लंबाई थी, अगर हम उस कहानी का जितना समय होता है, किसी कहानी के समय होता है उसको full length कह रहे हैं, तो उस नाटक का जो पूरा length था वो क्या था, on contemporary theme, जो contemporary मतलब हाल ही के समसामयिक घटना पे, तो वॉज बियॉन्ड कंजेक्चर मतलब उस ख्याल से बिल्कुल परे था। किस ख्याल से, तो ये जो हाल ही के कंटेम्प्रेरी जो होते हैं उन चीजों से ये बिल्कुल परे था।
However, हालांकि अर्जुन्स अराइवल ऑन द सीन्स इज साइनिफिकेंट नॉट ओनली टर्म्स ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर बट ऑल्सो ऑफ मॉडर्न थिएटर. अगर हम हालांकि अर्जुन देवचरण जो हैं उनकी क्या करते हैं उनकी उनके पहुंच की जो बात करें ऑन द सीन इज साइनिफिकेंट तो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनका दृश्य नॉट ओनली ना केवल ड्रामेटिक साहित्य पे के कंडीशन पे ही टर्म्स पे ही केवल महत्वपूर्ण नहीं है बट ऑल्सो मॉडर्न थिएटर जो आधुनिक चित्रकला की दुनिया है उस पे भी उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है. ठीक है तो आगे देखते हैं. तो अर्जुन देव्स प्लेस इंक्लूड तो इनका जो नाटक इनके जो नाटक हैं वो क्या क्या थे दो नाटक आजरा गुआरी संकरियों बोल महरी मछली कितना पानी धर्म जुदा एंड मुक्ति गाथा. तो इन्होंने ये सब चीजें लिखी थी कि दो नाटक आजरा गुआरी संकरियों बोल मछली किटक पानी नहीं कितना पानी धर्म जुद्धा मुक्ति गाथा. ठीक है तो धर्म जुद्धा अब धर्म जुद्धा के बारे में थोड़ी सी हिंट है पहले आपने. तो धर्म जुद्ध इज स्टोरी ऑफ पद्मा. ये एक पद्मा की कहानी है. अब पद्मा क्या है पद्मा अ गर्ल यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर. तो ये क्या है पद्मा एक छोटी सी लड़की है जो धर्म ग्रंथों से लाइक रामायण महाभारतों से ये क्या सीखी है इटीसी मतलब इन सब चीजों से उन्होंने कुछ सीखा है पढ़ा है. किसने इस लड़की ने सी फील्स एक्रिप्ट एंड एजिटेटेड बाय द अनचैरिटेबल ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स वुमेन. तो ये अपने आप को पीड़ित और उत्सुक महसूस कर रही है बाय द किससे अनचैरिटेबल मतलब क्या कहते हैं कि कठोर कह सकते हैं ना जो दानशील होवे ना करें तो जिसमें दया भाव ना हो तो अनचैरिटेबल ऑर्थोडॉक्स. तो ये अनचैरिटेबल ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स वुमेन. तो ये देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं इसका हिंदी समझना कि वुमेन की तरफ सोसाइटी का जो अनचैरिटेबल ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड है यानी कि कठोर रूढ़िवादी या परंपरा निष्ठ जो रवैया है किसके तरफ वुमेन की तरफ वो उसे पीड़ित करती है उत्सुक करती है. सी रिपीटेडली क्वेश्चंस हर पेरेंट्स. वो क्या करती है बार बार अपने माता पिता से क्या करती है क्वेश्चन करती है प्रश्न करती है एंड हर टीचर और अपने टीचर से अबाउट द राइट्स एंड द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन. कि एक औरत के अधिकार और पहचान के बारे में वो अपने टीचर और पेरेंट्स से बार बार क्या करती है क्वेश्चन करती है एंड आस्क देम और उनसे पूछती है कि वेदर क्या हर आइडेंटिटी इज अ सब्जेक्ट टू हर मैरिज. अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें अगर ये नाउन होता तो यहाँ पे क्या होता आर्टिकल होता. तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं है इसका मतलब ये एडजेक्टिव होगा. तो एडजेक्टिव है तो इसका मतलब होता है आश्रित होना. अगर हम सब्जेक्ट को भर्ब की तरफ करेंगे तो आश्रित होना और इसको एडजेक्टिव भी है ये सब्जेक्ट एडजेक्टिव भी है नाउन भी है और वर्ब भी है. तो इस सब्जेक्ट मतलब इसका कहने का यही मतलब है कि हर आइडेंटिटी क्या उसकी आइडेंटिटी उसकी पहचान जो है आश्रित है टू हर मैरिज उसके शादी पे ही उसकी पहचान आश्रित है. तो हमने देखा इस कहानी के लेखक के बारे में और सेकंड पार्ट मेरा आएगा धर्म युद्ध के बारे में. तब तक आप लोग इसको पढ़ें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और हमें कमेंट कीजिए हम आपकी कमेंट की प्रतीक्षा करते हैं. आप जैसा कमेंट करेंगे कि आप इस चीज़ पे वीडियो बनाइए यहाँ मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया तो हम इम्प्रूवमेंट करेंगे अपने वीडियो में ताकि और भी बढ़िया तरीके से आप इस बात को समझ सकें. थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग.